चमोली जनपद के दूरस्थ विकास खंड पोखरी ब्लॉक सभागार में युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग पोखरी द्वारा खंड स्तरीय युवा महोत्सव सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पोखरी विकास खंड के 10 से अधिक युवा मंगल दल व महिला मंगल दलों ने प्रतिभाग किया। लोकगीत व नाटकों की शानदार प्रस्तुतियाँ दी, जिसमें वीरभद्र माधव सिंह भंडारी और जीतू पगडवाल की गाथाओं पर आधारित लोकगीत और नाटक कार्यक्रम के आकर्षण का केंद्र रहे। कार्यक्रम के अध्यक्ष विकास खंड अधिकारी पोखरी राजेंद्र सिंह बिष्ट का कहना है कि महिला मंगल दलों को अपनी संस्कृति को जोड़ने और जीवित रखने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित महिला मंगल दलों को सांस्कृतिक कार्यक्रम से जोड़ने के लिए और अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए ये कार्यक्रम हम लोगों ने विकासखंड स्तर पर आज रखा हुआ है, जिसमें कम से कम 10 महिला मंगल दलों द्वारा इसमें प्रतिभाग किया गया है। और इस प्रतिभाग में सभी सांस्कृतिक प्रोग्राम संचालित किए जा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभागियों ने इसमें प्रतिभाग किया है। और इसमें प्रथम और द्वितीय और तृतीय पुरस्कार पाने वाले महिलाओं को पुरस्कार के रूप में और शील्ड और पुरस्कार की धनराशि भी दी जानी है। और ये है कि सरकार की योजना जन जन तक पहुंचे और कार्यक्रम का प्रत्येक व्यक्ति को इसका लाभ हो, और इसके लिए जागरूकता के साथ साथ कार्यक्रमों को भी किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसकी जानकारी भी हो और ग्रामीण अंचल तक इस कार्यक्रम की लोगों तक जानकारी प्राप्त हो और उसका लाभ मिल सके। वहीं कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रही महिला मंगल दल की महिलाएं इस कार्यक्रम से काफी खुश व उत्साहित नजर आईं। इन महिलाओं का कहना है कि इस तरह के कार्यक्रमों से उनका सम्मान, उत्साह व आत्मविश्वास बढ़ता है। सरकार की यह पहल अति सराहनीय है। अच्छा लग रहा है हमको इस कार्यक्रम में, हम महिलाओं को भी थोड़ा आगे जाने का मौका मिल रहा है और यहाँ पे हम महिलाओं का बहुत अच्छा सम्मान हो रहा है। हमें बहुत अच्छा गर्व है इस चीज़ पे और आगे भी हमें ये मौका मिलना चाहिए। हम ये सरकार से यही निवेदन करते हैं कि हमें तो ये जो आपका किस तरह का कार्यक्रम है हमारा ये एक सांस्कृतिक लोक मतलब प्रोग्राम है और एक लोकगीत है। किस तरह का लोकगीत है? लोकगीत मतलब उत्तराखंड का भैरवों ये संदेश दे रहे हैं आप? हाँ, संदेश दे रहे हैं लोगों को कि बाहर मत जाओ, अपने पहाड़ छोड़ के अपने पहाड़ छोड़ के बाहर मत जाओ। और धन्यवाद। तो हमको यहाँ पे महिला मंगल दल की वजह से हमको यहाँ बुलाया गया है। अभी तो हमने कुछ भी नहीं किया, हम तो पहला है हमारा यहाँ पे आना। तो ये हम सब घर में सब काम छोड़ करके आ रखे हैं, तब भी हमारा मन उत्सुक हो रहा था कि हम कब जाएं और क्या करें पता नहीं। वो माता रानी की कृपा है, हमने अपनी कुलदेवी की डोरी बना रखी है यहाँ पे, और आगे भगवान ऐसा करे कि हम पे हमारी माता की कृपा बनी रहे, हम आगे भी उत्सुक बने कि हम क्या करें कहाँ जाएं। हमारी मर्जी थी तो हम आ गए, पर अब देखेंगे तो आगे माता रानी की कृपा है। जो ये मंच मिला है उससे कितना प्रोत्साहन मिल रहा है आप लोग? बहुत कुछ हमारे दिल में बहुत उत्सुक ऊर्जा आ रही है कि हमने किया होगा कुछ या हम आगे कर सकेंगे कुछ। धन्यवाद। लग रहा है इससे हमारा मनोबल भी बढ़ेगा और हमें आगे जाने का मौका भी मिलेगा, और हमारे जैसे कीर्तन मंडली है उनको सामान भी मिल रहा है और दरिया भी। बहुत अच्छा लग रहा है, हर साल होना चाहिए ये कार्यक्रम। युवा महोत्सव एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान ब्लॉक प्रमुख प्रीति भंडारी, भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मयंक पंत, युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल के अधिकारी व कर्मचारी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।